हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास सेवन्थ की सिविक स्टार्ट कर चुके हैं और इस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू. इसकी चार यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारी यूनिट फाइव चल रही है जिसका नाम है मार्केट्स. और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नाइन और इसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट्स, यानी एक शर्ट जो है वो मार्केट में किस तरीके से बनकर आती है, यानी कितना लंबा उसको प्रोसेस तय करना पड़ता है तब जाके एक शर्ट जो है फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचती है. तो आज हम वो चेन सिस्टम पूरा आज समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल किसका, कुर्नूल के कॉटन फार्मर का. फिर हम जानेंगे कि इरोड क्लोथ मार्केट क्या है और ये कहाँ पर है. हम फिर एक सिस्टम भी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स. और उसके बाद हम वीवर्स कोऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वीवर्स कोऑपरेटिव्स होती हैं तो ये कैसे वर्क करती हैं इनके बारे में जानेंगे. और हम ये देखेंगे कि जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है न्यू दिल्ली के आसपास, वो किस तरीके से वर्क करती हैं. और फिर हम जानेंगे कि इन मार्केट से असली फ़ायदा किसको होता है. और हम देखेंगे क्या मार्केट के अंदर इक्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है. तो हम इस चैप्टर में ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक पूरी की पूरी शर्ट जो है वो तैयार होती है, किस तरीके से सबसे पहले हार्वेस्टिंग किया जाता है कॉटन का और फिर कॉटन से बनती है शर्ट. तो वो जो शर्ट आपके पास पहुंचती है वो कितना लंबा प्रोसेस तय करके आती है, वही हम यहाँ पर जानेंगे. यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बायर और सेलर के बीच में एक चेन बनी होती है, एक लिंक बना होता है. ओके, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इस चेन में हर स्टेप पर बाइंग और सेलिंग चल रही होती है, खरीदना और बेचना चल रहा होता है. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल किसका, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का. ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है. ठीक है, वहाँ पर एक छोटी फार्मर है, एक स्मॉल फार्मर है जिसको जिसका नाम हम पढ़ेंगे स्वप्ना. ओके, तो स्वप्ना के पास एक बहुत ही छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर वो क्या ग्रो करती है, कॉटन ग्रो करती है. और ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं ना, ये एक बार में ग्रो नहीं हो जाती हैं, इसमें टाइम लगता है. जैसे एक पूरी खेती करने में, पूरा फसल उगाने में टाइम लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से कॉटन में भी टाइम लगता है. जब कॉटन बस्ट हो जाती है, यानी कि वो जो बॉल्स बस्ट हो जाती हैं कॉटन बॉल्स, तो उनको फिर कलेक्ट किया जाता है. और जब स्वप्ना उनको कलेक्ट कर लेती है तो उनको कुर्नूल के मार्केट में जाकर नहीं बेचती है, वो एक लोकल ट्रेडर को उसको बेच देती है, जबकि उसको पता है कि इसे नुकसान हो रहा है. तो वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब क्रॉपिंग का सीज़न था उस टाइम पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने ये पैसे उस लोकल ट्रेडर से बोरो किए थे, यानी उधार लिए थे, और वो भी बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर. और उस पैसे से उसने सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स खरीदे थे जिससे कि कल्टिवेशन हो सके कॉटन का. और उसी टाइम पे जो लोकल ट्रेडर था उसने फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि वो अपने सामान को मार्केट में नहीं बेचेगी, वो सारे सामान को किसको बेचेगी, लोकल ट्रेडर को. ओके, और फ्रेंड्स, जब कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इनपुट लगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड. इनपुट का मतलब ये है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो सब चीज़ें इनपुट में काउंट की जाएंगी. और इसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत हैवी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा होता नहीं है और ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो मनी को बोरो करते हैं और इस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा होगा कि ये इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने देखा ना कि उसने 2500 रुपीज बोरो किए थे, वो भी बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर. ठीक है, तो अभी हम इसका मीनिंग थोड़ा समझते हैं. सपोज करिए, हम एक हाइपोथेटिक एग्जांपल लेके चलेंगे सिंपल सा. सपोज करिए आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज जो है वो उधार लिए. ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड को इससे क्या बेनिफिट, उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा. फायदा तो आपको हो रहा है क्योंकि आप सामान खरीद लेंगे अपना. तो फ्रेंड आपसे बोलेगा कि ठीक है, आप 100 रुपीज ले लो, लेकिन एक महीने के बाद में आप मुझे 120 रुपीज रिटर्न करोगे. तो आपने कहा ठीक है. तो ये इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 20 रुपीज का आ गया. ठीक है, तो ये 20 रुपीज किसका बेनिफिट हुआ, ये आपके फ्रेंड को फायदा हो गया ना, उसका प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का. तो ये जो रुपीज हैं इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके, क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट रेट क्या है, अब ये जो 100 रुपीज थे ना, इस पे उसने 20% का रेट लगाया, तभी तो कितना बना, 20 रुपीज बना ना. तो जब ये 100 रुपीज आप दोगे उस टाइम पर, ये 20 रुपीज भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एक महीने बाद. ओके, तो इसी को, ये जो परसेंटेज उसने लगाया, इसी को बोला गया इंटरेस्ट रेट. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है. अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम बात करेंगे इरोड मार्केट के बारे में. तो फ्रेंड्स, ये क्या है,
इरोड्स ये एक बाई वीकली मार्केट है कहाँ की, तमिलनाडु की। और वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी क्लोथ मार्केट हैं उनमें से इरोड्स बाई वीकली मार्केट जो है ये भी उनमें से एक है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट वर्ल्ड में है उनमें से एक जो है वो इरोड्स बाई वीकली मार्केट है कहाँ की, तमिलनाडु की। यानी बहुत बड़ी ये मार्केट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्लोथ मिलते हैं इस मार्केट में। और ये जो क्लोथ हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वीवर्स के द्वारा। यानी जो बुनकर होते हैं ना, जो कपड़े बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं, उनको बोलते हैं वीवर। तो ये उस मार्केट के आसपास जो गाँव हैं वहाँ पर बहुत सारे वीवर रहते हैं। ये क्या करते हैं, जिस दिन ये मार्केट डे ओपन होते हैं उस दिन ये आके अपने कपड़ों को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, क्लोथ मर्चेंट को। क्योंकि वो जो मार्केट है उसमें बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं वो क्लोथ मर्चेंट्स के हैं। और ये क्लोथ मर्चेंट्स क्या काम करते हैं, वीवर से कपड़े खरीदने का काम करते हैं। ओके, और ये मर्चेंट फिर क्या करते हैं, उन कपड़ों को गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं या एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको ऑर्डर पर बेच देते हैं या फिर उनको सप्लाई कर देते हैं। ओके, अब ये एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स एक्सपोर्टर्स का मतलब ये होता है कि दूसरी कंट्री के साथ में जब भी कोई ट्रांजेक्शन किया जाएगा, यानी अपना सामान अगर बेचा जाएगा दूसरी कंट्री को, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। और ये जो काम करेगा पर्सन उसको बोलेंगे एक्सपोर्टर। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपोर्टर का मतलब। तो ये मर्चेंट क्या काम करते हैं, जो भी इन्होंने वीवर से सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, उनको या तो ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को दे देते हैं या फिर ये एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं। और कैसे देते हैं, क्योंकि ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर उनको ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर को ये प्लेस करते हैं। ठीक है, और साथ में ये जो मर्चेंट्स होते हैं ये वीवर को जब काम दे रहे होते हैं, वीवर को जब ऑर्डर देते हैं, तो उस टाइम पर उनको ये यार्न यानी धागा भी साथ में ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता होगा कि धागे से ही तो कपड़ा बनता है ना, धागे से पूरा ज्वाइन होता है तो पूरा कपड़ा बनता है फिर इस तरीके से, है ना। तो ये धागा जो होता है कौन प्रोवाइड करता है, ये मर्चेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं किसको, वीवर को। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा इरोड मार्केट के बारे में। अब हम देखते हैं एक सिस्टम के बारे में, और ये सिस्टम का मतलब क्या है, पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। ये सिस्टम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक चेन सिस्टम वर्क कर रहा होता है। देखिए कैसे, सपोज करिए फ्रेंड एक यूएस की कंपनी है, ठीक है, ये गारमेंट कंपनी है। ओके, इसको कपड़े की ज़रूरत है और इसको पता है कि इंडियन मार्केट में उसको सस्ता कपड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये यूएस की कंपनी क्या करेगी, ये इंडियन एक्सपोर्टर जो हैं उनको ये ऑर्डर देगी कि हमें इतना सामान चाहिए। अब ये एक्सपोर्टर क्या काम करेंगे, जो मर्चेंट्स हैं उन मर्चेंट्स को ये ऑर्डर देंगे कि आप हमें इतना सामान प्रोवाइड कराइए। और ये मर्चेंट्स जो हैं ये वीवर्स को ऑर्डर देते हैं कि आप इतने कपड़े बनाकर हमें दीजिए। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, ये पूरा चेन सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो देखते हैं इसमें जो मर्चेंट है वो क्या काम करता है, वो वीवर को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑर्डर पर। ओके, और ये वीवर जो होते हैं इनको यार्न भी कहाँ से मिलता है, मर्चेंट से ही मिलता है, मर्चेंट मतलब ट्रेडर। ओके, तो मर्चेंट से ही उनको धागा मिलता है, और बाद में जब ये पूरा ऑर्डर पूरा कर लेते हैं वीवर, तो ये सप्लाई भी किसको करते हैं, मर्चेंट को ही कर देते हैं। तो इससे वीवर को क्या फ़ायदा है, वीवर को दो फायदे हैं। एक तो ये है कि उनको ज़्यादा पैसा अपना खर्चा करना नहीं पड़ता, किसको खरीदने में, धागे को खरीदने में। ठीक है, और दूसरा फायदा ये है कि अब ये जब ऑर्डर पे काम करें तो जितना भी इनके पास में ऑर्डर आया है, जितना इन्होंने बनाया है, वो सब इनका बिक जाएगा। यानी कुछ भी इनके पास वेस्ट नहीं होगा और ना ही उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, तो इनके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है। तो ये बेनिफिट है वीवर को। लेकिन यहां पर ज्यादातर पावर किसके हाथ में है, वो मर्चेंट के हाथ में पावर है, क्योंकि यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना, पूरा रॉ मटेरियल कितना जाएगा उनके पास में, कितना नहीं होना चाहिए, कब कितना ऑर्डर देना है, कब तक वापस लेना है। तो ये सब चीजें किसके हाथ में है, मर्चेंट के हाथ में है। तो ज्यादा पावर किसके हाथ में होगी, ऑब्वियसली बात है मर्चेंट के हाथ में होगी, राइट। तो ये मर्चेंट एक और चीज़ करते हैं, ये बहुत ही कम पैसे देते हैं वीवर को। यानी कि अपना तो ये मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो वीवर बहुत मेहनत सच में कर रहे होते हैं उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। जब कपड़े इनको मिल जाते हैं मर्चेंट्स को, तो मर्चेंट क्या करते हैं, उस कपड़े को गारमेंट फैक्ट्रीज को बेच देते हैं या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये बेच देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये हमने क्या पढ़ा, हमने एक अरेंजमेंट पढ़ा किसके बीच में, वीवर के बीच में और मर्चेंट के बीच में। तो ये जो वीवर और मर्चेंट का एक सिस्टम है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। ओके, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है वीविंग इंडस्ट्री में। यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में जहाँ पर भी वीविंग इंडस्ट्री होंगी वहाँ पर ये पुटिंग आउट सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पुटिंग आउट सिस्टम क्या है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है
वीवर्स कोऑपरेटिव्स, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से वीवर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी सारी मेहनत वीवर करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इनको लो प्राइस मिलते हैं, तो अब इनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं। ओके, तो ये जो वीवर्स कोऑपरेटिव हैं ये क्या काम करती हैं, ये मर्चेंट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वीवर की उसको रिड्यूस करती हैं, और जो वीवर हैं उनको हायर इनकम अर्न करने में हेल्प करती हैं, राइट। और ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, इन कोऑपरेटिव्स में जो लोग होते हैं उन सबके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, यानी सबका कॉमन फ़ायदा होता है, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इनका म्यूचुअल बेनिफिट उसमें होता है। तो वीवर्स कोऑपरेटिव्स क्या करती हैं, ये क्या एक्चुअली ये है क्या, ये वीवर्स का एक ग्रुप है, यानी बहुत सारे वीवर इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और वो बन गया वीवर्स कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे वीवर जो हैं इनके खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना, अगर ये मिलके रहेंगे तो सब मतलब ये फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि कोई भी इनको फिर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ही ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इकट्ठे होकर करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये यार्न को प्रोक्योर करते हैं, किससे, यार्न डीलर से, यानी कि जो धागे बनाता है ना उससे डील करते हैं, और फिर उस धागे को ये वीवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, और ये कोऑपरेटिव्स जो हैं ये मार्केटिंग भी करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मर्चेंट का कोई काम ही नहीं बचा है, मर्चेंट का काम ही खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, खुद ही डील कर रहे हैं यार्न में और खुद ही उनको वीवर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये कोऑपरेटिव्स जो हैं ये मार्केटिंग भी खुद ही कर रही हैं, है ना। तो ये इस तरीके से कोऑपरेटिव्स जो हैं वीवर को हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर किसका रोल कम हो गया, मर्चेंट का रोल तो कम ही हो गया, रिड्यूस हो गया, और इससे वीवर को क्या होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, यानी उनको उनकी मेहनत का सही पैसा मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनको बहुत हेल्प किया है। गवर्नमेंट क्या काम करती है, इन वीवर्स से, यानी जो कोऑपरेटिव वीवर सोसाइटीज़ हैं इनसे ये गवर्नमेंट रीजनेबल प्राइस पर कपड़े खरीद लेती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वीवर्स कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और अब हम देखेंगे, ये है द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, यानी दिल्ली के पास में एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है। एक्सपोर्ट यानी वर्ड देखिए यहाँ पे, एक्सपोर्ट यानी ये क्या काम करेगी कंपनी, दूसरी किसी कंट्री के साथ में, यानी दूसरी कंट्री की कंपनी जो होगी उसके साथ में इसने अपना लिंक बनाया होगा, यानी कि वहाँ पर सामान को बेच रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। ओके, तो जो इरोड के मर्चेंट थे, यानी इरोड जो बाई वीकली मार्केट थी उसमें जो मर्चेंट थे, क्या काम करते हैं, इस गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे पूरा का पूरा कॉटन क्लोथ जो बना था। ओके, अब ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री क्या करेगी, ये उस कपड़े से क्या बनाएगी, शर्ट बनाएगी, यानी अब उसने उसे रेडीमेड कपड़े बनाने स्टार्ट किए, जिसको हम पहनते हैं, ठीक है, पहनने वाले कपड़े बनाने शुरू किए। तो उसने क्या किया, शर्ट बनाई। अब ये क्या करेंगे, इस शर्ट को अपने फॉरेन बायर्स को बेच देंगे। ओके, और ये जो लार्ज स्टोर्स होते हैं ये बिजनेस अपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन पे करते हैं, यानी अपने खुद के टर्म्स पे करते हैं, और इनको बहुत ही लोएस्ट प्राइसेस पे कपड़े चाहिए होते हैं सप्लायर से। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड भी रखते हैं कि हमें क्वालिटी जो है प्रोडक्शन की बहुत अच्छी चाहिए, एकदम टाइम पे चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें भी ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस चीज़ को भी। तो एक्सपोर्टर क्या काम करते हैं, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और ये किसी भी कंडीशन पर इन बायर्स को गुस्सा नहीं करेंगे, और मतलब उनकी हर एक कंडीशन को ये मानेंगे, और इससे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, और जिससे इनको काम मिल रहा है उसको ये नाराज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से ये अपने प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करते हैं, यानी कि फॉरेन बायर्स को सस्ते पे देकर लेकिन अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। अब हम देखते हैं हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, कि एक्चुअल में मार्केट से बेनिफिट किसको हो रहा है। तो हमने देखा कि ये पूरा एक चेन है मार्केट का, इसमें क्या है, प्रोड्यूसर का लिंक किससे है, बायर से है। तो अब यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है यहाँ पर हर स्टेप पर ये चल रही है, देखा ना हम लोगों ने कि हर जगह पर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, कोई किसी खरीद रहा है, कोई किसी को बेच रहा है, राइट। और इससे क्या हो रहा है कि कुछ ही लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है, बाकी सबको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो क्या मार्केट में इक्वालिटी है, तो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट से, लेकिन जो वर्कर हैं जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि उनको उनकी नीड्स जो हैं वो पूरी हो पाती हैं। इसके अलावा हर एक पर्सन को इस मार्केट से बेनिफिट नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबको फेयर वेज मिलना चाहिए, यानी सबको इक्वल रखा गया है। अब इक्वलिटी में तो वेज भी आते हैं, वेज का मतलब होता है मजदूरी। ओके, तो सबको फेयर वेज मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक तरफ तो मार्केट
लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि उनको काम दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं यानी जो रिच हैं और जो पावरफुल हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इससे। इसके अलावा क्योंकि पुअर और वर्कर जो हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन रिच और पावरफुल लोगों के ऊपर, तो उनको बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने का कि इनकी कोऑपरेटिव्स होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी इनके लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कुछ प्रोविजन जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, और आपको हमारा चैप्टर देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप उसको किस तरीके से हमसे पूछेंगे यानी उस डाउट को कैसे क्लैरिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं। आप हमें अपने डाउट्स हमारे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @सिविल सेक्शन। आप अपने डाउट्स हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsession2018@gmail.com। इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी अपने डाउट्स दे सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsession.com। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोज़ देखने के बाद लगता है कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपके सजेशंस को वेलकम किया जाएगा, और अगर हमें सही लगेंगे तो हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।